आए आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज लाइव टेस्ट 3 के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x की मान y की मान से 10% क्या है, अधिक है। 10% क्या है, अधिक है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। तो x का मान जो है y के मान से 10% अधिक है, तो 10 में यदि 1 अधिक होगा तो ये 10 होगा, तो ये कितना होगा, 11 होगा। तो कह रहे y की आय x की जो आय है उससे क्या है, k परसेंट कम है, तो k का मान क्या है। तो ध्यान देंगे ये 11 है, ये 10 है, बोलिए ये कितना कम हो गया, 1 कम हो गया कितने में, 11 में। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो 9.11% होता है। इसलिए इस k का वैल्यू क्या होगा, तो k का वैल्यू होगा 9.11%। दूसरा प्रश्न हमारा है कि x की आय का 60%, x की आय का 60% y की आय के 75% के क्या है, बराबर है। यहां से कैंसिल करेंगे तो 15 से 4 बार में और 15 से कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में। तो x is to y का वैल्यू यदि बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि y की आय x की आय के की परसेंट के बराबर है। y की जो आय है वो x की आय के की परसेंट के बराबर है, तो आपसे पूछा जा रहा है की का मान क्या होगा। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, बोलिए y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू कितना है, 5 है, और ये हो गया की बट्टा कितना, 100। यहां से कैंसिल होगा, बोले कितना बार में, 20 बार में। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो k का वैल्यू आपका हो जाएगा 20 × 80, और 80 ही इस प्रश्न का उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है x y से 25% अधिक है, तो x y से 25% अधिक बोला जा रहा है, और फिर कहा जा रहा है कि z से 25% क्या है, कम है। तो z से ये क्या है भाई, तो 25% कम है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो अगर ये 4 है तो 4 में 1 अधिक करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और यदि ये 4 है तो 4 में 1 कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x का वैल्यू यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, तो इसमें गुना कर देते हैं 3 से और इसमें गुना कर देते हैं 5 से, दोनों का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल। तो आप इसमें भी 3 से गुना करेंगे और इसमें आप किससे गुना करेंगे, 5 से। तो बोलिए यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया, तो x का 15 आ गया, y का 12 आ गया, और z का कितना आ गया, 20 आ गया। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि y का मान कितना है, 300 है, तो 300 का कंपेरिजन बोलिए हम किससे करेंगे, 12 से, और z का वैल्यू चाहिए तो 20 से गुना कर देंगे। 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में, ये यहाँ से 100 बार में कैंसिल हो गया, बोलिए इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 500। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद, देखिए 5% भाग जब बिक गया तो बचा कितना भाग, 95%। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बची। क्वेश्चन कह रहा है 5 बची लेकिन परसेंटेज के अनुसार कितना बचा, 95। तो चीनी की कुल मात्रा बताइए, तो कुल मात्रा तो हमने 100 माना, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 5 से 19 बार में चला जाएगा, अर्थात 5.5/19 केजी जो होगा वही इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। क्वेश्चन कह रहा है कि कमल के पास कुछ सेब है, तो मान लीजिए कि 100% सेब है, सेब कितने हैं, 100%, उसने जितने खाए उससे 40% अधिक बेचे। तो अगर 100% खाया तो बोलिए कितना बेचा, तो 40% अधिक, इसका मतलब 140% बेचा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 70 सेब बेचे, उसने कितने सेब बेचे, 70 सेब, तो 70 का कंपेरिजन बोलो किससे करेंगे, तो 140 से। अब कह रहे बताइए कि उसने कितने सेब खाए, तो खाए कितने थे, 100, तो 100 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यहां से कैंसिल, 7 × 2 = 14, 2 से कितना बार में, 50 और 50, इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो 1660 है। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, तो इन दो संख्या का जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 1660। कह रहा है कि एक संख्या का 6.12%, एक संख्या का 6.12% हम लिख दे, 6 × 2 = 12, 12 × 1 = 13, 13/2 परसेंटेज के लिए क्या, 1/100,
बराबर है दूसरी संख्या के 8.12% के, तो 8 × 16 17/2% के लिए 1/100। यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया। बोलिए फर्स्ट इज टू सेकेंड का जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 17:13 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहां पर बोलिए डिफरेंस कितना होगा, तो यहां तो डिफरेंस 4 का हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस कितना है, तो 1660। तो 1660 का कंपेरिजन बोलिए किससे करेंगे, 4 से, और छोटी संख्या पूछी जा रही है इसलिए 13 से क्या करेंगे, गुना। यहां से कैंसिल, तो ये 6 होगा, 16 4 एकम 4, 4 5 20, 13 5 65, 5 6 13 6 9 19 कैरी 1, 13 का 52 है कितना, 53, अर्थात 5395 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। मान लीजिए कोई संख्या है, इसका दो भाग हमने बांट दिया, एक भाग एक से और दूसरे भाग क्या है, वाई है। तो कह रहा है कि पहले भाग का 80%, तो x का कितना, 80%, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से y कितना है, तो 3 अधिक कह रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए ये यहां से करेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये और ये खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम अगर कैलकुलेट करें तो ये आपको 8x हो जाएगा और ये -6y हो जाएगा, और ये 10 से गुना होगा तो क्या होगा, 30 हो जाएगा। अब ये 4x - 3y = कितना होगा, 15, और ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा बात कर रहा है कि दूसरे भाग का 80%, तो y का 80% जो है वो पहले भाग के x के 90% से, प्रश्न कह रहा है 6 अधिक है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो आपका आ जाएगा 8y - 9x = कितना, 60, और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब करते ये हैं कि फर्स्ट में हम 8 से गुना कर देते हैं और जोड़ देते हैं सेकेंड में, किससे गुना करके, तो हम y को कैंसिल करना चाहते थे इसमें 8 से, तो 38 का 24, तो इसमें किससे गुना करना होगा, 3 से, तो यहां से 8 से गुना करेंगे, 8 का कितना हो जाएगा, 32x, और ये 38 का 24y, और 15 कितना हो गया, 120। उसके बाद चलेंगे इसमें हम गुना करेंगे 3 से, तो 38 का 24y और माइनस ये कितना होगा, 27x बराबर 60 या 180। यहां से जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 300। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60। x का वैल्यू कितना आ गया, 60। अब y आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 75। तो आपसे पूछा गया कि संख्या क्या है, संख्या तो दोनों को जोड़ने पर न बन रहा है, तो इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो x + y बराबर क्या आ जाएगा, 135, और ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या में 4% कम कर दे, तो हमने मान लिया कि जो बड़ी संख्या है वो संख्या भाई है कितना, तो वो है एक्स, तो जो छोटी होगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 520 माइनस एक्स। तो कह रहा है बड़ी संख्या को 4% कम कर दो, तो बड़ी संख्या एक्स है, एक्स में 4% कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96%, और छोटी संख्या में 12% बढ़ा दो, तो छोटी संख्या है 520 माइनस एक्स, इसमें 12% बढ़ा देंगे तो 100 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहां से कैंसिल हम करेंगे, तो यहां से कैंसिल करेंगे तो ये 48 और ये कितना हो जाएगा, 56। यहां से ये 8 × 6 = 48 और 8 × 7 = 56 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने पर ये यहाँ 6x होगा और ये आपका हो जाएगा 0 × 7 = 14 = 4 कैरी 1, 7 × 5 = 35 और ये कितना, 36, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 7x इधर आएगा, तो 7 × 6 कितना होगा, 13x, और 13x का वैल्यू 3640। यहां से कैंसिल कर दीजिए, 13 से चल जाएगा, 13 × 26 और ये 104 होगा, तो 13 × 8 = 104 और 0, अर्थात एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 280। लेकिन ये बड़ा वैल्यू है, आपसे पूछा जा रहा है छोटा वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, 520 में से 280 घटा देंगे, तो 520 में से जब 280 घटाएंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 240, और ये इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 160 का 15% में कितना जोड़ा जाए, तो मान लीजिए कि x जोड़ा गया, कितना जोड़ा जाए कि योगफल जो हो वो 240 के 25% के बराबर हो जाए,
तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, हम इसका 1/4 यूज कर लेते हैं, तो यहां से कैंसिल हो गया, चला गया 60 बार में। और यहां से अगर हम देखेंगे तो आप 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से आपका 8 × 16, 5 × 10, 5 से कितना बार में 3, तो 38 का कितना हो गया 24 प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 60। तो अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 60 में से 24 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 36। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% है। ध्यान देंगे, कोई भी चीज पहले 100% होता है, घटकर 80% हो गया, इसका मतलब आपने इसमें से कितना परसेंट घटा दिया, तो आपने 20% घटा दिया। लेकिन क्वेश्चन में तो आप 15 घटाए थे, तो आप बोल सकते हैं कि 15 किसके इक्वल है भाई, तो 20% के इक्वल है, तो 15 का कंपेरिजन हम किससे कर लेंगे, 20 से, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, तो बोलिए हम यहाँ 40 से गुना कर देंगे, ये कैंसिल हुआ, तो 15 × 30 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा